डॉक्टर हाथी के निधन के बाद मनोरंजन जगत में एक और दुखद खबर, रीटा भादुड़ी का निधन हो गया। रीटा भादुड़ी पिछले 5 दशकों से टेलीविजन दुनिया का जाना पहचाना नाम है। उन्होंने न सिर्फ सीरियलों में काम किया बल्कि कई फिल्मों में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। मंगलवार सुबह उनका निधन हो गया। रीटा भादुड़ी 10 दिनों से ICU में एडमिट थी, जहां पर किडनी खराब होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। बीमारी के बावजूद वो अपने टीवी शो निमकी मुखिया में इमरती देवी का किरदार निभा रही थी। वो हर चुनौती का सामना करने वालों में से थी। रीटा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बीमार हैं, कमजोर नहीं, इसीलिए किसी भी कीमत पर वो काम नहीं छोड़ सकती। उनकी अंतिम यात्रा मंगलवार 17 जुलाई दोपहर 12 बजे निकलेगी। आइए बताते हैं आपको उनके बारे में 10 बातें। रीटा भादुड़ी का जन्म 4 नवंबर 1955 को लखनऊ में हुआ था। रीटा भादुड़ी को आखिरी बार स्टार भारत के टीवी शो निमकी मुखिया में इमरती देवी के रोल में देखा गया था। मनोरंजन जगत में रीटा भादुड़ी का करियर 3 दशक से भी ज्यादा लंबा रहा। रीटा ने 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी फेमस फिल्में हैं जूली, राजा, बेटा, दिल विल प्यार वर। रीटा भादुड़ी ने लगभग 3 TV शो में भी काम किया था, जिनमें से कुछ फेमस शो हैं सारा भाई वो से सारा भाई, छोटी बहू, कुमकुम और खिचड़ी। रीटा भादुड़ी 1979 में आई बॉलीवुड फिल्म सावन को आने दो से इंडस्ट्री में पहचान बना चुकी थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। रीटा भादुड़ी गुजराती फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा थे। रीटा भादुड़ी को सरनेम की वजह से बॉलीवुड अभिनेत्री और अमिताभ बच्चन की पत्नी जया भादुड़ी की बहन समझ लिया जाता था, जिससे वो गुस्सा हो जाती थी और कहती थी कि कितने साल हो गए बताते बताते कि मेरा जया भादुड़ी से कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी लोग हैं कि समझते नहीं। रीटा भादुड़ी को फिल्मों से ज्यादा टीवी में काम करना पसंद था। उनका मानना था कि फिल्मों में फीमेल सेंट्रिक रोल मिलना मुश्किल है। आज रीटा भादुड़ी हमारे बीच नहीं रही, पर उनकी फिल्में, उनकी अदायगी सदा दिलों में जिंदा रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही।